बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह मुझे मुझे बहुत प्यार है। यीशु मसीह जिंदा है। जिंदा है। जिंदा है। जिंदा है। मेरा छुड़ाने वाला। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे बहुत प्यार करता है। सबको प्यार करता है। सबको प्यार करता है। तुझको प्यार करता है। तुझको प्यार करता है। करता है। यस आंटी। वेरी गुड। वो मुझे भी प्यार करता है। तुमको भी प्यार करता है। सबको भी प्यार करता है। जितनी लोग इस दुनिया के ऊपर है वो सबके ऊपर वो प्यार करता है। उन लोग तो जानते नहीं है उनको वो बाइबल में लिखा है दुनिया में जितनी लोग है सब लोगों के लिए यीशु मसीह मरा। सब लोगों के लिए यीशु मसीह मरा। अभी जन्म भी नहीं हुए बच्चे उनके लिए भी मरा। जो कोई भी विश्वास करते हैं उन लोगों के जीवन को पाते हैं। तो आज हम देखेंगे यीशु का पुनरुत्थान क्या है। उसके बाद यीशु मसीह को गुड फ्राइडे आया है ना। उस दिन क्या हुआ बेटा यीशु मसीह को क्रूस पर मारा था ना। इधर उधर मारा और उस पे यीशु मसीह महान सात शब्द बोले है ना। उसके बाद यीशु मसीह ताकि आपको भी अपने जीवन को सोचते हुए उसके बाद उनको क्रूस पर निकाल कर एक कबर में रखा। उस कबर है ना कोई रखा हुआ नहीं था। एक नया एक कबर में यीशु मसीह को। उसके बाद हम देखेंगे यीशु का पुनरुत्थान करते हुए लिखा है। इसलिए लिखा है परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आ गए। स्त्रियों ने क्या किया यीशु मसीह का शरीर पर सुगंधित वस्तु डालने के लिए उन लोग कब्र के पास आए। तो उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। मतलब वो कब्र के बाहर आते हैं ना पत्थर खुला है और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाए। अंदर जाके देख रहे हैं कब्र में यीशु मसीह का शरीर नहीं है। और जब वे इस बात में बहुत चकित हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। दो लोग क्या किया उनके पास आके खड़ा हुआ। इतना ऐसे झलकते हुए कपड़े एकदम शाइनिंग था चमकता था। ये लोग डर गए क्यों क्योंकि कब्र के जो बाहर का पत्थर हट गया अंदर यीशु मसीह का शरीर भी नहीं। इसलिए लोग डर गए। तब दो लोग वहां एंजल्स खड़े इतना अच्छा चमकते हुए कपड़ा पहनते हुए तो वो लोग उनसे बात की। बोलते हैं तुम जीविते को मरे हुए में से क्यों ढूंढते हो। देखा जीविते को मरे हुए में से क्यों ढूंढते हो। जीविते कौन है यीशु मसीह। जीविते को मरे हुए में से मरे हुए ना वो जिंदा हो गया कब्र खाली हो गया। तो उसके बाद कहते हैं वो यहाँ नहीं परंतु जीवता। क्या लिखा वो यहाँ नहीं परंतु जीवता। देखो जो मर जाते हैं तो उन लोगों को क्या करते हैं कब्र में रखते हैं। वो लोग उठ के चलेंगे क्या चलेंगे। मरे हुए लोग उठ के चलते हैं क्या। जैसे पड़ा हो वैसे पड़ा है। वहां से क्या मिले बदबू आएगा ना बदबू आएगा। कुछ फायदा नहीं वहां जाने से है ना।
वहां के लोग ऐसे सड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो यीशु मसीह का कब्र के पास इस्राएल लोग सुगंध वस्त्र डालने के लिए आए थे। देखो थोड़ा सोच के, कब्र तो बंद है, ठीक है, इनको पता है बाहर बड़ा सा पत्थर रखा रहे हैं, तो क्यों वो लोग सुगंध वर्ग लेके आते हैं यीशु मसीह का शरीर में डालने के लिए? कैसे ये लोग अंदर जाएंगे? सोचने के बाद कैसे अंदर जाएंगे, कैसे यीशु डालेंगे? लोगों के अंदर उसका बचाव उस मसीह का शरीर पर डाल के आए, कैसे भी वो पत्थर को हटाएंगे पता नहीं, ऐसे कुछ सोच के भी आ सकते हो। लेकिन ऐसा देखा पत्थर तो अंदर ही है, अंदर दौड़ के जो के देखे का शरीर ये इसी लोगों को भर गए, क्या कोई आपके उठा के लेके चले गए क्या करते? बाद में वहाँ स्वर्गदूत आके बोलते हैं जीवित को मरे हुए मसीह क्यों ढूंढते हैं, आपको मरे हुए के पास जाके जीवित को ढूंढने का जरूरत नहीं, वो जीव गए वो जिंदा हो गए, हमारा यीशु मसीह जिंदा हो गया, जिंदा हो गया ना, और आज भी जिंदा है। कैसे जिंदा हुआ? परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा आया उनका शरीर के अंदर गया, उनका जो 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 पार्ट्स है उन भी बंद हो गया ना, ब्लड बंद हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना शरीर, तीन दिन हो गए उनका पवित्र आत्मा आया, पूरा उनके अंदर जो खून है जो पार्ट्स है सब नया पवित्र आत्मा को स्वीकार करना। आप लोग भी बच्चे लोग बचपन में ही पवित्र आत्मा को पाना, वो आपको चलाएगा, आपका नाशवान शरीर को भी पुनर्जीवित कराएगा। इसलिए हमारा भरोसा किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर। बोलो मेरा भरोसा, मेरा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। सही है ना? यस सही। देखो सब लोग मनुष्य, एक दिन सब लोग मर जाएंगे, ये मुझे बचाएगा, ये मुझे बचाएगा, ये मेरे साथ रहेगा, कोई नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा सब लोग चले जाएंगे। लेकिन आपका हमारा यीशु मसीह मारा जिंदा हो, आज भी जिंदा, हमेशा के लिए जिंदा, वो जी उठ गया है, कब्र काली हो गया। उस पत्थर को कौन हटाया? स्वर्गदूत। कौन हटाया? स्वर्गदूत। आज भी हमारा जीवन में ऐसे कुछ भी पत्थर होगा तो भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजेंगे, वो है पवित्र आत्मा आएगा, हाँ हमको पुनर्जीवित कराएगा। लाजर मर गया था ना, तो वहां क्या हुआ? चार दिन हो गए, वहां की पत्थर को कौन हटाया? इंसान हटाया, यीशु मसीह बोला जाओ पत्थर को हटाओ, है ना, फिर यीशु मसीह ने बोला लाजर बाहर, तो यीशु मसीह का आवाज वचन में सामर्थ्य जाके लाजर को बाहर ले गया। वो पत्थर को कौन हटाया? इंसान, वहां के लोगों को यीशु मसीह को, है ना, पट्टी बांधा हुआ था वो भी यीशु मसीह ने बोला उसका पट्टी को खोल दो, कुछ काम हम करना है। और ऐसे पत्थर है कुछ पत्थरों को स्वर्गदूत उठा के हटाएगा, पत्थर हट गया वो कौन करेगा? परमेश्वर अपने दूतों को भेजेंगे, सेना को भेजेंगे, वो हमारे लिए मदद करेंगे। यीशु मसीह जिंदा हो गया है, आज भी कब्र खाली है, जितने लोग मरे बस मरे, अभी भी शरीर
संग्रह में किसी किसी को मुक्ति पे मिल गया, बस गया गया, तो वो हमको बचा नहीं पाएगा। बचा पाएगा जिंदा रहेगा तभी ना बचा पाएगा। मृत्यु के ऊपर जय पाया हमारा यीशु मसीह, वही हमें मृत्यु से बचाएगा। मृत्यु के सरदार को क्रूस पे वो नाश किया, इसलिए मृत्यु हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाया। याद रखिए ये बहुत मेन एक सत्य है, इसको आपको जानना। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे शापों के लिए, मेरे बीमारियों के लिए मरा। मर के इतना ही नहीं, बस मर गया तो हमारा विश्वास वेस्ट है ना। मेरी मरा, मृत्यु के ऊपर जय पाकर जिंदा हो गया, ऐसा ही परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। वो जिंदा है, वो मुझे जय के ओर लेके जाएगा। गाना गाएंगे, गाओ यीशु मसीह उठा कब्र खाली हो गया, यीशु मसीह उठा कब्र खाली हो गया, निकल लिया मौत को जीतने पट्टी पर लिखी है पिता, ताकि प्रभु ये लोग हर परिस्थिति के ऊपर जय पाने के लिए सारे बच्चों को मदद कीजिए। आपका हाथ में सारे बच्चों को समर्पण कर रहे हैं, सुनने वाला को भी समर्पण कर रहे हैं, जीवन में समर्पण कर रहे हैं। आप संभालिए, सुरक्षा में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।